और आपने फ्रेम में देख लिया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो ग्रीन ब्यूटी कोमल रिजवी। और क्या ज़बरदस्त ये आर्टिस्ट हैं, आर्ट्स के साथ साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं जनाब कोमल रिजवी, और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं। वेलकम टू आवर शो कोमल। और बहुत अच्छा लग रहा है, एक अरसे के बाद मैंने आपको लाइव देख रही हूँ, अपने सामने देख रही हूँ। तो जनाब बात यह है कि कोमल एक साथ कई कामों को अंजाम देने की सलाहियत रखती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, बहुत ज़बरदस्ती आर्टिस्ट भी हैं। तो कोमल रिजवी यकीनन एक बेहतरीन टैलेंट हैं और पाकिस्तान का सासा हैं, अदाकारी हो, मौसीकी हो या फिर मेज़बानी के फ़राइज़ हों, सब इन्होंने किए हैं और परफेक्ट किए हैं। लेकिन इस कैमरे के पीछे भी कोमल रिजवी एक अच्छी बिजनेस वुमन है। कोमल रिजवी ने एक ज़बरदस्त कॉस्मेटिक ब्रांड्स ट्रूली कोमल जो है वो स्टार्ट किया है, मुतारफ़ करवाया, जिन्होंने मार्केट में काफ़ी मशहूर हो रहा है। मैंने अभी इनसे बात की कि मैं कुछ स्टोर्स पर गई हूँ, वहाँ मैंने देखा और सेल्स भी अच्छी खासी हो रही थी। तो कोमल, कैसे ये ख्याल आया आपको और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा, कैसी प्रोडक्ट्स हैं? सहरिश, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। सेकेंडली, एक्चुअली जब मैं पाकिस्तान में नहीं रहती थी और जब मैं यहाँ आती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि भाई मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लेना चाहती हूँ अपनी स्किन के लिए, क्योंकि बचपन से मुझे स्किन और हेयर केयर का बहुत शौक़ है। जब लड़कियाँ जूते और बैग्स के लिए पैसे और जोड़ों के लिए पैसे जमा कर रही होती थी, मैं स्किन केयर के लिए जमा कर रही होती थी। और जब मैं यहाँ मूव हुई तो मुझे हमेशा ये बात खटकती थी कि भाई मुझे अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट मंगवाना है तो क्यों मैं बाहर से जाके लेती हूँ या मैं वेट करती हूँ, अच्छा मेरी कोई दोस्त बाहर जा रही है तो मैं उससे मंगवाऊँ। तो एक दिन बस मैंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं आप एक दो तीन प्रोडक्ट से ट्राई करें, आप अपनी वेबसाइट बनाएं, इट्स वेरी सिंपल, और आप स्टार्ट करें। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे थे, मेरे केमिस्ट और फॉर्मूला इतना अच्छा था दैट वो बिल्कुल टाइम बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो गया। और अब माशाल्लाह मेरे ओवर 40 प्रोडक्ट्स हैं ट्रूली कोमल में, और हम ओवर 400 स्टोर्स में अवेलेबल हैं। एंड माशाल्लाह ट्रूली कोमल, आजकल इतना कोमल रुझान हो गया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें जो कुछ यूज हो रहा है वो ऑर्गेनिक है, किस तरह के हैं? इसका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सहरिश, दैट ऑर्गेनिक पाकिस्तान में जो लोकल लोग लिखते हैं, मैं आपको अपनी मैं दाढ़ी उगा लूँ अगर मुझे कोई गारंटी दे दे कि वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक होना आसान काम नहीं है। आपके सोर्स तक पहुंचना पड़ता है कि भाई आपने अगर इसमें फ़र्ज़ करें मैंने स्ट्रॉबेरीज डाले हैं या विटामिन सी डाली है, हाइलुरोनिक डाला है या कोई भी जैसे आमला रीठा कुछ भी डाला है, तो वो ऑर्गेनिक है। जो फार्म है वो ऑर्गेनिक है, जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक है, जो वो चीज़ें यूज़ करता है उगाने के लिए वो ऑर्गेनिक है। इसकी गारंटी कोई दे ही नहीं सकता। सिर्फ अमेरिका में ऐसे इदारे हैं जो जाके फार्म्स पे और जाके लैब्स में ये चेकिंग रखते हैं। एग्जैक्टली, सो मैंने कभी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया है कि मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं। हाँ, लेकिन मेरे रिजल्ट्स हैं उनके, मेरे नहीं, मेरे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और मेरे सेफ प्रोडक्ट्स हैं और उसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनकी स्किन जो है वो ग्लो करे, स्किन बिल्कुल साफ़ हो, और माशाल्लाह आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ है, कोई यकनी नहीं है। तो आप सीक्रेट बताएं ना, आप इसमें से क्या यूज़ करती हैं? जो देखिए, मैं आपके शो पे मैं आई हूँ तो मैं ऐसे तो कहना चाहती हूँ कि दो तीन ट्रूली कोमल आजकल डील्स ऑफर कर रहा है, और ख़ास बोल और आपके लिए मैं चाहती हूँ कि उन डील्स के बारे में डिस्कस करूँ क्योंकि वो ख़त्म होने वाले हैं। अपना सीक्रेट तो बताएं। मेरा सीक्रेट ये है कि फ्रैंकली ऑनेस्टली आप लोग अगर अच्छा सोएं 8 घंटा और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं, अपनी डाइट लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, देखें ये आपका 50% काम है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जो क्रीम्स हैं वो बाकी का काम करते हैं, ठीक है, वो क्रीम्स जो हैं आप अपने स्किन के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से और अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप लगाएं। मैं रात में मेकअप करके नहीं सोती हूँ एज अ रूल। आप क्लेंजिंग ज़रूर करती हैं? मैं क्लेंजिंग ज़रूर करती हूँ, और मैं लाजमी सनब्लॉक लगाती हूँ। सनब्लॉक के बगैर मैं अपना घर नहीं छोड़ती,
और तीसरी चीज़ ये कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहे। कोई भी मैं क्रीम, अगर मेरी क्रीम्स ख़त्म भी हो गई हैं, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्रीम्स हैं, लेकिन अगर कभी हो जाए ऐसा कि मैं कहीं हूँ, मैंने मुंह धोया है और क्रीम नहीं है, मैं कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेती हूँ, कोई भी, ठीक है, ताकि मेरी हमेशा मॉइस्चराइज रहे। तो ये मतलब ज़बरदस्त टिप दिया है कि आप लोग अगर अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो जनाब ये छोड़ दें कि इतनी बिजी लाइफ में क्रीम्स आपके लिए इतना काम करेंगे कि आप ग्लो करते और चमकते दिखाई देंगे, नहीं। अगर स्लीप एंड वाटर, स्लीप एंड वाटर, बिल्कुल हाइड्रेटेड रहना है। तो अच्छा, अब डील्स के बारे में बताएं कि आपकी डील्स क्या हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे जो सबसे ज़्यादा हिट कैटेगरी है वो है हेयर केयर। मैं समझ रही थी कि मेरा हेयर केयर इज़ नॉट गोइंग टू डू एज वेल एज स्किन केयर, लेकिन पाकिस्तान में आंटीज एंड लड़कियों को ऑब्सेशन है बालों का, ये मुझे अब समझ आया है। तो मैंने एक डील निकाली है जिसमें अगर आप मेरा कोई भी शैम्पू और हेयर मास्क लेंगे उस पर आपको एक ज़बरदस्त ऑफर मिलेगा। सो मेरे पास 3 शैम्पूज हैं गाइस। मेरे पास है वॉल्यूम एंड शाइन, जिससे आपके अगर मेरी तरह थोड़े फाइन बाल हैं, जैसे चीनी लड़कियों के होते हैं थोड़े पतले उसके कंसिस्टेंसी के बाल हैं, या अगर आपके बहुत ऑयली बाल हैं और वो फ्लैट रहते हैं, तो ये शैम्पू आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेरा सेकंड शैम्पू है नोमो हेयर फॉल। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, जिसका मतलब है कि ग्रीसी स्कैल्प होगा, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ होगी और आपका हेयर फॉल दोबारा हो जाएगा। तो ये उनके लिए है जिनका ग्रीसी स्कैल्प है, ठीक है। तीसरा जो मेरा शैम्पू है वो है लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों के बाल जो हैं, और इसमें बाय द वे आंवला रीठा सिक्का का ही है, और कुछ लोगों के बाल बहुत स्लो लंबे होते हैं, जैसे ये मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे माशाल्लाह बहुत जल्दी लंबे होते हैं बाल, लेकिन हाँ ग्रोथ फास्ट है मेरी, मैं बहुत प्रोटीन खाती हूँ और मैं अपनी दूसरी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। तो दिस इज़ वेरी गुड अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल लंबे रहें, हेल्थी रहें, और आप कोई हार्मफुल केमिकल अपने सर पर नहीं लगाएं। तो आप कोई सा भी शैम्पू लेंगी अलॉन्ग विद माय हेयर मास्क, अच्छा ये डील है, मतलब ऑफर है उसके yes, साथ, यस, तो आपको ज़बरदस्त डील मिलेगी। आई थिंक इट्स लाइक 35% ऑफ। लेट मी टॉक अबाउट दिस मास्क, ओके। दिस मास्क, इट्स नॉट अ कंडीशनर। कंडीशनर तो आप रोज़ लगाते हैं, राइट? कंडीशनर ऐसी चीज़ है कि बहुत वो थोड़ा माइल्ड होता है और वो डेली यूज़ में आप यूज़ करते हैं, और उससे आपके बाल हैवी नहीं होते, आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, आप कर्ल्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ट्रीटेड बाल हैं, अगर आपके डाइड बाल हैं, अगर आपके ड्राई बाल हैं, आजकल केराटिन का बहुत ज़्यादा वो, दिस इज एक्चुअली अ केराटिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आई एम सरप्राइज दैट आपने ये बोला, वेरी गुड। दिस इज अ वेरी एडवांस्ड केराटिन कॉम्प्लेक्स डिवेलप्ड बाई कैनेडियन केमिस्ट्स, लेकिन अफोर्डेबल इन पाकिस्तान। अच्छा, ये आपके अगर बहुत शदीद डैमेज ड्राई बाल हैं, ये आप हाइड्रेशन और स्मूथनेस के लिए, मैं लिटरली मैं बाल धो के आई हूँ और आपने कुछ नहीं किया। मैंने बाल धोए हैं, मैंने ब्रश किए, बाल ड्राई किए और मैं आ गई, मैंने ब्रश भी नहीं किया उसके मतलब बाद। ये फिर आप उसमें जो बाल स्ट्रेट नजर आपको आ रहे हैं, ये केराटिन क्रीम का, इस मास्क का कमाल है। यस यस यस। एंड ये आपके बहुत ड्राई हैं तो आप ये ट्वाइस अ वीक लगा लें, और अगर आपके मेरी तरह यू नो नॉर्मल टू ट्रीटेड बाल हैं तो वंस अ वीक लगा लें, और 5 मिनट छोड़ के अपने बाल नॉर्मल आप रिंस कर लें, शैम्पू मत करें। तो इस पे गाइस, शैम्पू एंड मास्क पे देयर इज अ फैंटास्टिक ऑफर एंड इट इज एंडिंग सून, तो प्लीज कॉल द नंबर्स बिलो और गो टू trulykomal.com टू अवेल दिस ऑफर। अच्छा, मेरी सेकंड डील, माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, ओके। इस बंडल का नाम ही कोमल्स फेवरेट प्रोडक्ट्स है। अच्छा जी, जबरदस्त। और मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं क्लेंजिंग के बगैर नहीं सोती, नहीं सोती, लेकिन मैं इंसान हूँ, हर दफ़ा स्क्रब करके मेकअप, आपको तो पता है मेकअप करती हैं रोज आप, समटाइम दिल नहीं चाह रहा होता कि प्रॉपर बंदा टाइम दे, तो उसके लिए क्विकली कुछ करना हो तो मैं पहले क्या करती थी, मैं जो वाइप्स होते हैं ना, मेकअप वाइप्स, वो मैं करके सो जाती थी। एक दिन मैं करके सोती थी तो एक ग्रीसी सा फेस पे इफेक्ट होता था, हल्का सा चिप चिप, समटाइम एक्ने भी हो जाती है। अगले मैं बता रही हूँ, अगर 2 दिन मैंने कर लिया ना, ये कोई ड्रामा हो रहा है, मुझे रोज़ रोज़ मेकअप हो रहा है, मैं बहुत थक रही हूँ, और 2 दिन मैंने मेकअप वाइप करके सो गई, लाजमी मुझे कोई रेडनेस होगी, पिंपल होगा, मेरे पोर्स खुल जाएंगे, मेरी स्किन अनइवन हो जाएगी, पैची हो जाएगी, फौरन मेरी स्किन चिखने लगती है कि क्या करनी है आप? बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ये डिवेलप किया एक्सट्रीमली जेंटल क्लेंजिंग मिल्क। वाओ, अच्छा। इट इज सो, आई कांट इवन टेल यू, अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप इसको
सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप इसको आप लें और इसको आप टाइम दें, लगाने के बाद इसको आप टाइम दें कि अपना काम करे। ये नहीं कि लगाया और फिर आपने कॉटन पैड से वाइप आउट कर लिया, वाइप आउट कर लिया। गिव इट टाइम, गिव इट एक मिनट दें ताकि वो अंदर तक आपके पोर्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाए, आपके मेकअप को मेल्ट कर सके। अच्छा, मेल्ट कर सके, यू नो, यू टेक इट आउट ऑफ योर पोर्स। उसके बाद आप उसको वाइप करें, गारंटीड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगी, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाइड्रेटेड फील करेंगे। अच्छा, क्लींजिंग मिल्क है, स्क्रब नहीं है, इट्स अ क्लेंजिंग मिल्क, यानी लोशन टाइप चीज है ये, और बहुत ही माइल्ड है। अगर आपने दो दफा भी मेकअप किया, जैसे सुबह ऑफिस के लिए रात में, तो आप दो तीन चार दफा यूज कर सकते हैं। मैं इसके बगैर नहीं रह बिल्कुल नहीं रह सकती, ये मेरा फेवरेट तरीन प्रोडक्ट है। एंड पीपल लाइक फ्रॉम ऑल द वे टू लाइक सनम चौधरी टू अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड दैट सुनीता मार्शल, दे हैव सेड दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट दिस प्रोडक्ट। अच्छा, अब आ जाए क्लेंजिंग की बात पे, मेरा अमेजिंग शुगर बेस्ड ब्राइटनिंग स्क्रब, ये जो है ये एवरी संडे मैं बिल्कुल आयत की तरह। अच्छा, ये पाउडर फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में है और आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी फर्ज करें ड्राई स्किन है तो आप इवन बेबी ऑयल में लगा के स्क्रब कर लें, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपने फेस वॉश में, मैं फेस वॉश में मिलाती हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि स्क्रब करूँ फिर फेस वॉश करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं फेस वॉश में ये थोड़ा सा मिला कर लेती हैं। ठीक है, आप रोज़ वाटर में भी कर सकते हैं, आप ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इसका काम यह है, ये शुगर बेस्ड स्क्रब है, ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता है, ये इतना फाइन है कि आप इसको ऑलमोस्ट अगर आप एवरी डे चाहते हैं करना तो आप एवरी डे भी कर सकते हैं, बट मैं जो रेकमेंड करती हूँ ट्वाइस अ वीक। ठीक है, और इसकी एक ख़ास ट्रिक है, आपने स्क्रब लिया और आपने, लोग यूँ करते हैं और धो लेते हैं, भाई आप सोचें आपकी स्किन की जो एक तय है, आप चाहते हैं कि आपके डल डेड स्किन सेल्स निकलें, जेंटली निकलें, सेफली निकलें, ताकि आपकी एक निखार आए स्किन पे, इवन स्किन टोन लगे, फ्रेश लगे, ग्लो हो। और चूंकि इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, जिंक ऑक्साइड है, तो आपका ग्लो भी एक आता है। बिल्कुल, तो आप जेंटली दो मिनट इसको स्क्रब करें। अच्छा, उसके बाद धोएं। सही। अच्छा, ये जो हाइड्रोक्लोनिक, उसका जो आजकल एक वो फ्रीक हुए हैं लोग उसको लेके, मैं फटाफट क्विकली अगर आप बता दूँ। हाँ, क्विकली मैं इसका बता दूँ कि ये दो अगर आप लेंगे तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त डील मिलेगी, सो डोंट मिस दिस ऑफर। अच्छा, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट माय फेस वॉशेस व्हिच इज माय लास्ट डील। ये मेरा नॉर्मल साइज है, जल्दी से बता दीजिए, टाइम बिल्कुल कम है। हाँ, ये मेरे नॉर्मल साइज है फेस वॉशेस का, ये मैंने न्यू निकाला है व्हिच इज द 75 ml फेस वॉशेस, और ये है मेरे पास पांच वेरियंट्स। ठीक है, ठीक है, एक है नीम, मैं जल्दी से बता देती हूँ, एक है नीम, तो अगर आपको पिंपल्स हैं या अगर आपका बहुत ऑयली स्किन है तो नीम, एक है मेरा क्यूकम्बर जो सब यूज कर सकते हैं, बड़े बूढ़े मैन वुमेन, ये मैं यूज करती हूँ क्योंकि ये बहुत माइल्ड है, और एक है टी ट्री ऑयल, ये जरा स्ट्रॉन्ग है, ये अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है एक्ने की तो आप ये डेली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है, और ये है हनी अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है, तो ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये आप इसको यूज करेंगे तो एक एक खिंच आता है ना, जी जी जी, वो नहीं आएगा इससे क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग है, इसमें एक्चुअल शहद है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एलोवेरा, ये भी सब यूज कर सकते हैं, ये फैंटास्टिक, जबरदस्त। थैंक यू सो मच कोमल, वेलकम वेलकम, आई और आपने इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और मैं आपसे बिल्कुल अभी चूज करती हूँ मुझे क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई, जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई। बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सके कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। छह टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।